चरण जा रहे भक्त को न रही है उसको कुछ पता है बेकार का गठबंधन क्या होता है कांग्रेस का, क्या होता है कांग्रेस का गठबंधन? और कांग्रेस हारने के लिए खुद दे देते हम कांग्रेस को जमानत जब्त कराने के लिए। बिहार विधानसभा की दो सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अकेले लड़ने का फैसला तेजस्वी यादव ने लिया था और दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की थी। लेकिन देखिए, आज आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पटना आने वाले हैं और पटना आने के ठीक पहले उन्होंने कांग्रेस को उसकी औकात बता दी है। आपको हम पहले सुनाएंगे, लालू प्रसाद यादव ने पटना आने के ठीक पहले कांग्रेस पर जो बड़ा हमला बोला है और क्या कहा है, पहले उनके इस बयान को सुनिए। हाँ, बहुत लंबे अरसे से हम पटना में नहीं थे, हम पटना जा रहे हैं और वहाँ चुनाव भी है, बाई इलेक्शन तारापुर में और कुशेश्वर स्थान में, कोशिश करेंगे वहाँ भी जाने का। अभी तो डॉक्टर साहब से उन्होंने छुट्टी दिया है, एक महीना का दवा लेके फिर आना है, इसलिए हम जा रहे हैं वहाँ पर। सर, वहाँ आरजेडी और कांग्रेस की गठबंधन बिल्कुल टूट गई है। बेकार का गठबंधन क्या होता है कांग्रेस का, क्या होता है कांग्रेस का गठबंधन? और कांग्रेस हारने के लिए खुद दे देते हम कांग्रेस को जमानत जब्त कराने के लिए। कांग्रेस के नेता ये लगा रहे हैं कि आरजेडी का गठबंधन हो गया है पर्दे के पीछे बीजेपी से, ये एलिगेशन लगा है। कौन बोला है? ये भक्त चरण दास भक्त को न रही है उसको कुछ पता है? आप उपचुनाव में प्रचार नहीं कर सकते हैं, हेल्थ ग्राउंड पे आपको जमानत मिली है। गलत बोलता है वो, कोई उस आधार पर नहीं मिला है, आप सेंटेंस काटने के बाद मिला। एक अंतिम सवाल ये है सर कि आप पटना जा रहे हैं, जिस तरीके से आपके पार्टी और परिवार में कुछ नाराजगी नजर आ रही है सर, क्या लालू यादव इसीलिए पटना जा रहे हैं? कोई नाराजगी कुछ नहीं। तेज और तेजस्वी में सब कुछ ठीक है, दोनों हमारे बेटे हैं जी, सब ठीक। पाकिस्तान का मैच है, कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं। तो आपने सुना, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव लंबे अरसे बाद आज पटना आ रहे हैं और कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन बिहार विधानसभा की दो सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर के जो फैसला तेजस्वी यादव ने लिया था, उस फैसले पर अब लालू प्रसाद यादव ने मुहर लगा दी है। जी हां, लालू प्रसाद यादव से आज पूछा गया कि इस उपचुनाव में गठबंधन धर्म का पालन नहीं हुआ है, गठबंधन टूट गया, जिस पर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि कौन सा गठबंधन, जिस गठबंधन से हम चुनाव हार जाते वो गठबंधन का मतलब क्या है। लालू प्रसाद यादव से जब यही सवाल पूछा गया कि भक्त चरण दास लगातार ये कह रहे हैं कि आरजेडी बीजेपी के लिए काम कर रही है, उस पर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि कौन भक्त चरण दास, भक्त चोंदर दास है वो, ऐसा बयान लालू प्रसाद यादव ने दिया है। आपको एक बार फिर से वही बयान सुनाएंगे, सुनिए। इसलिए हम जा रहे हैं वहाँ पर। सर, वहाँ आरजेडी और कांग्रेस की गठबंधन बिल्कुल टूट गई है। बेकार का गठबंधन क्या होता है कांग्रेस का, क्या होता है कांग्रेस का गठबंधन? और कांग्रेस हारने के लिए खुद दे देते हम कांग्रेस को जमानत जब्त कराने के लिए। कांग्रेस के नेता ये लगा रहे हैं कि आरजेडी का गठबंधन हो गया है पर्दे के पीछे बीजेपी से, ये एलिगेशन लगा है। कौन बोला है? ये भक्त चरण दास भक्त को न रही है उसको कुछ पता है? आप उपचुनाव में प्रचार नहीं कर सकते हैं, हेल्थ ग्राउंड पे आपको जमानत मिली है। गलत बोलता है वो, कोई उस आधार पर नहीं मिला, आप सेंटेंस काटने के बाद मिला। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी, इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहां। ग्रह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन,
सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। लालू के इस तेवर के साथ यह स्पष्ट हो गया है कि बिहार में अब आरजेडी कांग्रेस को ज्यादा तवज्जो देने के मूड में नहीं है। अगर आरजेडी इन दोनों विधानसभा सीटों पर जीत हासिल कर लेती है तो कांग्रेस के लिए आगे की राह बेहद मुश्किल होने वाली है। लालू के इस तेवर के साथ यह स्पष्ट हो गया है कि बिहार में अब आरजेडी कांग्रेस को ज्यादा तवज्जो देने के मूड में नहीं है। अगर आरजेडी इन दोनों विधानसभा सीटों पर जीत हासिल कर लेती है तो कांग्रेस के लिए आगे की राह बेहद मुश्किल होने वाली है। लालू यादव के इस बयान से यह भी साफ हो गया है कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन आरजेडी से बेहतर नहीं हुआ था। हालांकि देखिए, तेजस्वी यादव यह कई दफे कह चुके हैं कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन की वजह से बिहार में महागठबंधन की सरकार नहीं बनी। ऐसे में लालू यादव और दावा कर रहे हैं कि इन दोनों सीटों पर आरजेडी के उम्मीदवार ही जीतेंगे। कांग्रेस और आरजेडी में जुबानी जंग तेज हो गई है। पटना लौटने से पहले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास पे सीधा निशाना साधा। लालू यादव ने भक्त चरण दास के लिए अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया है। लालू यादव ने कहा है, कांग्रेस को हारने के लिए टिकट हम दे देते क्या? तो लालू प्रसाद यादव कुछ ही देर में पटना के लिए रवाना होंगे और उसके ठीक पहले उन्होंने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि इस दोनों सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर के आरजेडी के दोनों उम्मीदवार भारी मतों से जीतेंगे और हम गठबंधन धर्म का पालन कर रहे हैं, लेकिन अगर वो सीट हार जाते तो फिर हम करते क्या। हालांकि देखिए, जब पूछा गया कि भक्त चरण दास लगातार राजद पर निशाना साध रहे, वो कह रहे हैं राजद हमेशा हमें कमजोर कर रही है, उस पर अपमानजनक शब्द का जो प्रयोग है वो लालू प्रसाद यादव ने कर दिया है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, वो तमाम अपडेट्स आपको हम लगातार यहीं पर देंगे। धन्यवाद।